हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिक्सटी एथ्थ बीपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें दिस इज गोइंग टू बी अ बिगनर्स टाइप वीडियो ठीक है देखिए पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जो ऐसा लोगों का मत है कि बीपीएससी तो बहुत ज्यादा ईजी है बहुत ज्यादा हाँ यूपीएससी और यूपीपीसीएस के कंपैरिजन में बीपीएससी इजी है लेकिन बहुत ज्यादा भी इजी नहीं ठीक है उनके कंपैरिजन में इजी है लेकिन सेपरेटली अगर हम देखें तो बीपीएससी भी इजी नहीं है और ये बात आप लोग सोचना छोड़ दीजिए कि तीन महीने में दो महीने में आ, या चार महीने में बीपीएससी क्रैक किया जा सकता है ठीक है मैं बहुत ही नॉर्मल इंसान हूं तो मैं आप लोगों को नॉर्मल बातें बताती हूँ हमेशा एक्स्ट्रा और यू uh, नो you know, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस बातें या फिर इम्प्रैक्टिकल बातें बताना मुझे पसंद नहीं है ना ही तो मुझे आता है ठीक बीपीएससी की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन घर पे बैठ के बहुत इजीली करना चाहते हैं तो आप टेक्सट बुक का जो सुपर कोचिंग है उसे जरूर चेकआउट कर सकते हैं पहले ये सुपर कोचिंग यूपीएससी वालों के लिए था लेकिन अब बी वालों के लिए भी है यहां पर आपको जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं जैसे श्री राम्स आई आजाद आई एस एटसेट्रा इन सबके जो सुपर टीचर्स हैं जो वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं उनसे पढ़ने का मौका मिलेगा यहां पर आपको जीएस से रिलेटेड ट्वेंटी प्लस कोर्सेज मिल जाएंगे टू प्लस स्टडी नोट्स मिल जाएंगे टू प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे वन लाइव क्लासेस मिल जाएगी और इतना ही नहीं यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेडी एटसेट्रा रिलेटेड बीपीएससी से रिलेटेड मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट करवाए जाएंगे और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है ना सुपर कोचिंग से रिलेटेड तो आप मेरा कोड यूज करकेवन जितना भी कॉन्टेंट है ना इसे फ्री में अनलॉक करके खुद देख सकते हो वो भी सात दिन के लिए लेकिन अगर आप एक सीरियस एसपरेंट है और आपको अपनी प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में करनी है तो आप ये जो सुपर कोचिंग है इसका मंथली सब्सक्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है सिर्फ फाइव हंड्रेड का लेकिन अगर आपको फिर भी ये ज्यादा लग रहा है तो आप मेरा कोड विच इज बी आर के ट्वेंटी यूज करके इस इसपे भी ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट पा सकते हो तो देखा कितनी अच्छी चीज है ना सो ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स डोंट फर्गेट टू चेक आउट द सुपर कोचिंग सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आपने कभी भी प्रिपरेशन नहीं करी है एंड 68 एट इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे पहले आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें देखना है अगेन यहां पे एक चीज आती है कि बहुत लोग ये करते हैं कि जो एनालिसिस वाली वीडियोस होती है वो देखते हैं या फिर वीडियोस के थ्रू जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो देख बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो बीपीएससी uh, के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप खुद से देखें खुद से एनालाइज करें तब आपको ज्यादा समझ में आएगा रादर देन आप किसी की वीडियो देखकर एनालाइज करें ठीक है ये ऐसा मेरा ओपिनियन है बाकी आपकी मर्जी आप वो कर सकते हैं ठीक है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के आपको पता चल पाएगा कि बीपीएससी में कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बाद एक चीज मैंने बहुत नोटिस करी कि ज्यादातर एस्पिरेंट क्योंकि करंट अफेयर्स का पहले बहुत ज्यादा स्कोप नहीं था लेकिन अब आप सारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देखोगे उनमें मोस्टली करंट अफेयर्स का जो स्कोप है वो बहुत बढ़ रहा है करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें ठीक है करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर करें बीपीएससी के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री साइंस करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल इन सब पे फोकस करें लेकिन मैं ये बोलूंगी कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का हर एग्जाम के लिए एक अलग तरीका होता है जैसे बीपीएससी में ज्यादातर फैक्ट्स पूछे जाते हैं फैक्चुअल होता है तो आप अगर यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा दू दूसरा तरीका होगा लेकिन अगर आप बीपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा दूसरा कॉन्सेप्ट होगा तो आपको पेपर देख के समझ आ जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक से किस तरीके से पढ़ना है हर एग्जाम को पढ़ने का हर एग्जाम में देखो कोर्स वही होता है लेकिन क्वेश्चन किसी में फैक्चुअल पूछे जाते हैं जैसे यूपीएससी है यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल है बीपीएससी और यूपीपीएस थोड़ा सा फैक्चुअल है तो उस चीज को आपको देखना है क्वेश्चन पेपर आपको खुद से देख के एनालाइज करना है तब आपको पता चल पाएगा कि आपको आपको वही सेम टॉपिक अगर यूपीएससी के लिए भी पढ़ना है और बीपीएससी के लिए भी पढ़ना है बीपीएससी में आपको उसमें ज्यादा फैक्ट्स उसके बारे में पता होने चाहिए ठीक है मेरे कहने का ये मतलब बहुत है? बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या न्यूज हमें पढ़ना चाहिए बिहार बिहार स्पेशल के लिए तो मैं ये बोलूंगी आ, कि वैसे प्री में न्यूज़पेपर का इतना ज़्यादा रोल होता नहीं है स्पेशली बीपीएससी में लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है और अगर आप नहीं भी पढ़ रहे हैं तो मंथली अगर आप बीपीएससी के मंथली करंट अफेयर्स करेंगे क्योंकि बीपीएससी जब आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स भी करने रहते हैं और जो बी के मतलब बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स है वो भी करने रहते हैं ठीक है तो अगर आप बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मंथली करेंगे और जो इंडिया लेवल के करंट अफेयर्स है वो भी मंथली करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं डेली बिहार स्पेसिफिक चीजें पढ़ते हैं तो वो भी ठीक है और नहीं भी अगर पढ़ते तो दैट विल ऑल्सो बी फाइन ठीक है करंट अफेयर्स को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि कम से कम पिछले जब एग्जाम आने वाला हो उससे पिछले छह महीने तक के करंट अफेयर्स हमको पता होने चाहिए हमको याद होने चाहिए इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि जब आप बीपीएससी की अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो तुरंत क्या होता है ना बहुत लोग बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और बुके इकट्ठा करने लगते हैं अलग अलग सोर्सेस इकट्ठा करने लगते हैं पीडीएफ इकट्ठा करने लगते हैं वो पहले अपना एफर्ट देते हैं सारी चीजें इकट्ठा करने में ठीक है ऐसा आप मत करिएगा पहले आप सिलेबस समझिए बीपीएससी को समझिए उसके बाद आप लिमिटेड uh, सोर्सेज अपने पास रखिए ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड सोर्सेज इकट्ठा करे जा रहे हैं और आपसे पढ़ा कुछ नहीं जा रहा है ठीक है एक बुक को मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि दस बुक को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को आप दस बार पढ़िएगा इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि आपको कंसिस्टेंसी uh, मेंटेन करके चलना है बीपीएससी बहुत ज्यादा इजी नहीं है मुझे नहीं लगता कि uh, दो महीने में तीन महीने में कोई क्रैक कर सकता है तो आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके जरूर चलना है अगर आप चार घंटे रोज पढ़ रहे हैं या पांच घंटे रोज पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर sure कि वो आप कंसिस्टेंटली पढ़े रह देन एक, एक दिन दस घंटे पढ़ के और फिर 10 दिन आप एक भी घंटे ना पढ़ें ठीक है तो ये कुछ टिप्स मैंने दी अगर आप चाहें आपकी मर्जी है तो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको सही लगे तो अदरवाइज जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं अगर आपको उनसे पढ़ना है या आपको उनसे कुछ सजेशन या मेंटोरशिप चाहिए तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं ठीक है सो दैट्स फॉर टुडेज आई होप यू गाइज आर डूइंग देन स्टे ट्यून्ड ऑन माई चैनल